हेलो फ्रेंड्स, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपसे कोई भी न्यू अपडेट मिस ना हो। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आशुस आज अपने नए फ़ोन से एक पर्दा उठाने वाला है जो कि है आशुस ज़ेनफोन 5Z। आज हम बात करेंगे इसी फ़ोन के बारे में और जानेंगे इसके कुछ नए फीचर्स और क्या होगा इस फ़ोन के अंदर खासियत। तो प्लीज़ गाइस, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है आशुस ज़ेनफोन 5Z के अंदर आपको डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगी 6.2 इंच की डिस्प्ले, जहां रेजोल्यूशन होगा इस डिस्प्ले का 1080x2240 पिक्सल का और PPI आपको देखने को मिल जाएगी 402 PPI। और वहीं बात करें डिस्प्ले सपोर्ट की, तो यहां पर आपको गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट भी दिया जा रहा है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि गोरिल्ला ग्लास 3 है या 1 है 2 है, कुछ ऐसा कुछ बातें सामने नहीं आई है अभी तक। और उसके बाद बात करें इसके एंड्रॉयड वर्जन की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 8.0 ओरियो। तो यार 8.0 ओरियो का अपडेट दिया जा रहा है, तो यार 8.1 भी कर सकते थे, बट कोई बात नहीं, इतना भी चलता है। वहीं बात करें स्नैपड्रैगन की, तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 का प्रोसेसर दिया जा रहा है, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जिसके 4 कोर काम करेंगे 2.7 GHz में, जहाँ पर आपको CPU देखने को मिलेगा क्रायो 385 गोल्ड का। वहीं एंटी क्लॉक वाइज 4 कोर काम करेंगे जिनका गीगाहर्ट्ज़ होगा 1.7 GHz का, और वहीं आपको देखने को मिल जाएगा क्रायो 385 सिल्वर। तो ये काफ़ी अच्छा एफिशिएंट प्रोसेसर है। अगर मैं बात करूँ हैवी गेमिंग की या आपको वर्कलोड की, तो यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर दिया जा रहा है, हाई एंड प्रोसेसर दिया जा रहा है आपको इस स्मार्टफोन के अंदर। तो अगर मैं बात करूँ GPU की, तो GPU आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा एड्रीनो का 630। तो मतलब यार यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा GPU इस्तेमाल किया जा रहा है, और यहाँ पर आपको इसके 3 अलग अलग वेरिएंट देखने को मिलेंगे, जो कि है 64 GB, 4 GB, 128 GB, 6 GB और 256 GB, 8 GB। यहाँ पर आशुस चाहता है कि Xiaomi के हर वेरिएंट को ये टक्कर दे दे, और Xiaomi की जगह आशुस अब धीरे धीरे जगह लेना चाहता है। अगर मैं बात करूँ कैमरा की, तो यहाँ कैमरा काफ़ी अच्छा दिया जा रहा है। तो यहाँ कैमरा दिया जा रहा है 12+8 MP का डुअल कैमरा, जिसका अपर्चर होगा 12 MP वाले का है 1.8 अपर्चर। वहीं बात करूँ 8 MP वाले का, तो वहाँ पर आपको देखने 2.0 का अपर्चर और सोनी IMX का लेंस और सेंसर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो यहाँ यानी कि आपको इसके अंदर लो लाइट में भी काफ़ी अच्छी फोटोज़ देखने को मिल जाएगी, जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं। उसके बाद मैं बात करूँ इसके फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पर आपको 8 MP का कैमरा देखने को मिल जाएगा, और यहाँ आपको अपर्चर मिलेगा 2.0 अपर्चर का, माइक्रोपिक्सल होगा 1.12 माइक्रोपिक्सल लेंस का। और वहीं बैटरी की बात करूँ, तो बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी 3300 mAh की। तो यानी कि काफ़ी कॉम्पैक्ट फ़ोन दिया जा रहा है और स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर फ़ोन के बजट की बात करूँ, वैल्यू की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको 8 GB 256 GB देखने को मिलेगा 36,999 रुपये, यानी कि 37,000 रुपये का। वहीं अगर मैं बात करूँ 6 GB 128 GB की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 32,000 के तकरीबन ये फ़ोन। तो उसके बाद बात करूँ 4 GB 64 GB की, तो ये फ़ोन आपको देखने मिल जाएगा 29,999 रुपये का। तो ये 3 वेरिएंट है, और आप जो है बता सकते हैं आप कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहेंगे, या आप इस फ़ोन में इंटरेस्टेड है या नहीं। और इसकी फ्लैश सेल स्टार्ट होगी अब से 1 या 2 हफ्ते बाद से, तो देखना ये कि ये फ्लैश सेल में कैसा फ़ोन रहेगा और लोग इसे परचेज़ करना चाहेंगे नहीं चाहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर देना। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।